नमस्कार स्वागत है आपका मीनाक्षी किचन में आज मैं शेयर कर रही हूँ एक टेस्टी स्ट्रीट फूड की रेसिपी आज हम बनाएंगे उल्टा वड़ा पाव इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े बोल में ले लिया डेढ़ कप बेसन बेसन को मैंने छान लिया है ताकि इसमें ना रहें अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आधा चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और इनको एक बार यहाँ मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी और पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार करेंगे पानी इसमें आप धीरे धीरे ऐड करते जाएं ताकि इसमें लम्ब्स ना बन जाएं तो शुरू में पानी आप कम ही डालें अच्छे से इसको मिक्स कर लें उसके बाद आप पानी इसमें डाल सकते हैं तो पहले मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया इसको मैं मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल कर इसके बैटर तैयार कर लूँगी इस तरीके से बेसन में गाँठें नहीं पड़ती हैं और इजीली इसका बैटर तैयार हो जाता है बिल्कुल स्मूथ बैटर हमें बनाकर कर यहाँ पर तैयार करना है तो पानी मैं इसमें डालती जा रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ तो ये देखिए उल्टा बड़ा पाव के लिए बेसन का बैटर हमारा तैयार हो गया बैटर को हमें इतना ही थिक रखना है ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला इसे हमें नहीं करना है ये देखिए इस तरीके से बैटर मैंने बनाया है अब इसको हम ढक के रख देंगे साइड में तब तक हम उल्टा बड़ा पाव के लिए आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने गैस पर रख दिया ये पैन मैंने इसमें डाल दिया एक बड़ा चम्मच ऑयल अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हींग वन फोर्थ टी स्पून हींग मैंने इसमें डाल दी है अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून राई यानी मस्टर्ड सीड्स थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसमें हम करी लीव्स अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई आप अपने हिसाब से मिर्च की क्वांटिटी इसमें कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो आप दो मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं अब इसको हमें हल्का हल्का भूनना है जब तक ये मसटर्ड सीज क्रैकल होने लगे अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट और इसको भी हम साथ में ही भून लेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट मैं बना कर रख लेती हूँ और फ्रिजर में इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ तो ये इस तरीके से हो जाती है अब मैंने इसमें ऐड कर दिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर अब मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग एक चम्मच ऐड करेंगे अमचूर पाउडर और बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे गरम मसाला मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से गरम मसाला इसमें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है आपकी मर्ज़ी है आप डालें या ना डालें तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन तो गया अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाला हमारा जल ना जाए मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और मसाले को हमें अच्छे से पकाना है सारा ही पानी इसका हमें सुखा देना है तो इस तरीके से चलाते हुए मसाले को आप अच्छे से पका लें मसाला अच्छे से पक जाए उसके बाद इसमें आप ऐड कर दें बॉयल किए हुए आलू आलू बॉयल करके छील कर मैंने इसको मैश कर दिया मैंने यहाँ पर चार बड़े साइज़ के बॉयल किए हुए आलू लिए थे अब मसाले और आलू को अच्छे से हमें मिक्स करना है तो ये देखिए आलू और मसाला अच्छे से हमारा मिक्स हो गया ये देखिए आलू अच्छे से सिक गया है हमारा अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी उसके बाद ही इसका हम वड़ा पाव बनाएंगे तो ये देखिए आलू मेरा ठंडा हो गया है अच्छे से इसे हम टच करके देखें तो हम देखिए बिल्कुल इजीली मैं इसको टच कर पा रही हूँ अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बारीक कटे हुए धनिया और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये मसाला हमारा तैयार हो गया उल्टा बड़ा पाव के लिए इसी तरीके का मसाला बड़ा पाव के लिए भी बनता है थोड़े बहुत आप वेरिएशन इसमें कर भी सकते हैं मसाला हमारा तैयार हो गया अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये पाव पाव को बीच में से हम पहले कट कर लेंगे पहले मैं इस तरीके से पाव को अलग कर लेती हूँ अब इसको हम बीच में से कट कर लेंगे कट करने के बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ धनिया पुदीने की चटनी जितनी भी चटनी आपको पसंद है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनी इसके अंदर आप लगा लें चटनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें अगर आपके पास चटनी है तो इसमें ज़रूर लगाएं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ लहसुन और लाल मिर्च की सूखी चटनी इस चटनी के अंदर मैंने डाला है लहसुन सूखी लाल मिर्च थोड़ा सा नारियल और नमक और कुछ भी इसमें नहीं है इसको आप मीडियम हीट पे सेक के और इसकी चटनी बना सकते हैं अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया ये आलू का मसाला जो हमने बनाया है जितना मसाला आपको पसंद है उस हिसाब से इसमें आप लगा लें ज़्यादा भी नहीं है आपको लगाना है और कम भी नहीं लगाना है अब इसको बंद कर लेंगे और हर तरफ से दबा दबा कर इसको हम सेट कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से सारे ही पाव इस तरीके से हमें बनाने हैं तो बहुत इजीली ये बन जाएंगे तो ये देखिए फ़िलहाल मैंने चार पाव इस तरीके से बना लिए हैं पाव बनाने के बाद अब मैं बैटर को चेक कर लेती हूँ एक बार बैटर को हम फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है अब इस बैटर में हम इस पाव को डिप करेंगे हर तरफ से हर तरफ से अच्छे से इसको आप डिप कर लें बैटर में बैटर में डिप करने के बाद मैं इसे ऑयल में डाल दूंगी इसको फ्राई करने के लिए मीडियम हीट पे इसको आप अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लें चाहे तो इसे आप डबल फ्राई भी कर सकते हैं और हल्का सा जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तब इसे आप पलट दें दूसरी तरफ से ये देखिए मैंने इसको पलट दिया चाहे तो आप करछी की हेल्प भी ले सकते हैं इसको पलटने के लिए जैसे कि ऑयल काफ़ी गर्म है तो ये देखिए ये पाव मेरे हाफ फ्राई हो चुके हैं अब मैं इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लूँगी चाहे तो इसे आप हाफ़ फ्राई करके निकाल के रख सकते हैं और जब आपको खाने हो तब इसे आप गर्मा गर्म फ्राई करके खा सकते हैं इसके साथ सर्व करने के लिए मैं बना रही हूँ फ्राइड मिर्ची तो मैंने मोटी वाली मिर्चों को बीच में रिट करके ऑयल में डाल लिया इसको हल्का हल्का हम फ्राई कर लेंगे और ये मिर्ची हमारी तैयार हो गई इसे भी हम उल्टा बड़ा पाव के साथ सर्व करेंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका अब मैं आपको उल्टा बड़ा पाव को कट करके दिखा रही हूँ ये देखिए एकदम बढ़िया सा उल्टा बड़ा पाव हमारा बनकर तैयार हुआ है और आलू का मसाला भी इसमें बहुत ही अच्छे से भरा है आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो तैयार है हमारा उल्टा वड़ा पाव तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय